नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा, प्रभारी मंत्री सुश्री ठाकुर ने हितग्राहियों को वितरित किए निःशुल्क गैस कनेक्शन। प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म विभाग एवं खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कार्यक्रम का आयोजन नगर के गौरी कुंज सभागृह में आयोजित हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुश्री ठाकुर ने कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन एवं माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र वर्मा, कलेक्टर अनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर SL सिंघाड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल सहित विभिन्न अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। जबलपुर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी गौरीकुंज सभागृह में उपस्थित अतिथियों एवं आम नागरिकों द्वारा देखा एवं सुना गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सुश्री ठाकुर ने संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सच्चे जनसेवक बनकर जनता की सेवा करना ही हम सभी का परम कर्तव्य है। मध्य प्रदेश सरकार सभी परिवार को अपना परिवार मानती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की सरकार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना संचालित की जा रही है, जिसमें पात्र लड़कियों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को राष्ट्रभक्ति की धारा से जोड़ें। प्रभारी मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि आगामी दिनों में 3 दिन तक जन सुनवाई कर नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएंगी, साथ ही 5 पंचायतों में जाकर जन दर्शन कर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा एवं मकान है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। अभी तिवारी खंडवा से हमारी हितग्राही हैं। दिव्य शक्ति गैस एजेंसी से उन्हें यहाँ उज्ज्वला 2 का जो यदि कहीं कोई तकलीफ है, कोई बाधा है तो बताइए, हमारा पार्टी कार्यालय आपकी सारी शिकायत सुनने को, समाधान करने को तत्पर है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपने कार्यालय बनाए हैं। मैं भी महीने में एक बार, और अभी तो मेरे शायद 2 या 3 बार हो गए, पर एक बार तो आना सुनिश्चित है। 3 दिन रुकूंगी, जन सुनवाई भी करूंगी, और जब आऊंगी तो कम से कम 5 पंचायतों का जन दर्शन भी अवश्य करूंगी, ताकि आपकी तकलीफों को समझ सकूं, आपके समाधान में मैं भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं। और मैं बहन हूं आप सबकी, बहन होने के नाते दान दक्षिणा मांगना और लेना चाहिए कि प्रदेश में भर कर ले मुझे ये मिलता है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप जिस कार्यक्रम को भी हम देख रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद माननीय अमित शाह जी, उन दोनों का भाषण हमें यहाँ पर सुनने का नहीं। आप जिस कार्यक्रम में वहां गए हैं अमित शाह जी, वो हमारे बलिदानी शंकर शाह, रघुनाथ शाह के सम्मान में आज कार्यक्रम रखा हो, और शहीदों का, क्रांतिकारियों का सम्मान आजादी के इस 75वें वर्ष में करना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, सिर्फ सरकार क्रांतिकारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप उठकर जब जाए अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों से चर्चा कीजिए कि साथियों, आप और हम आजाद देश में रह सकें, इसलिए हमारे क्रांतिकारियों ने बिना किसी स्वार्थ के अपना तन, मन, धन, सब राष्ट्र की अस्मिता पर, उसको स्वतंत्र कराने पर न्यौछावर कर दिया। कार्यकर्ताओं की, मेरे जनप्रतिनिधियों की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है कि कैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचे, लोगों का जीवन बदले, और ये भारत को 21वीं शताब्दी में जो जगत गुरु बनाना है, ये तभी बनेगा
जब हर घर परिवार का दुख दर्द हम सब मिलकर बांटे, उसकी उन्नति प्रगति के लिए एक साथ मिलकर करते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं निकला। हम मात्र 5-7 साल पूर्व की स्थिति हमारे शहर की देख लें तो ध्यान में आता है, गैस का कनेक्शन एक स्टेटस सिंबल अर्थात जिसके घर गैस कनेक्शन है वो बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, इस प्रकार की एक धारणा थी। एक आम गरीब के बस की बात नहीं थी कि वो गैस कनेक्शन ले लें। सही बात है कि नहीं? अरे मैं सही बोल रहा हूं ना। आज अगर घर घर गैस कनेक्शन पहुंच रहे हैं और ये योजना के शुभारंभ हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक दूरगामी अर्थात हम कहें कि दूर तक की सोच। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के निर्णय जो एक आम गरीब से जुड़े हैं, आम व्यक्ति से जुड़े हैं, इस प्रकार की उनकी योजनाएं आज पूरे देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही हैं। भारत माता की। देवराम भाई आपने भी बोला भारत माता की। खबर समय जगत के लिए खंडवा से ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.